हम मंगल आजाद है। जो मंगल आजाद है वो मर गया। जो बॉलीवुड माफिया है, अगर इस फिल्म को आम लोगों तक दिखाने से रोकना चाहती है तो उसके पास हमारे लिए तोड़ क्या है। टूटने की बात नहीं है, मैं ये कहूँ कि आप आगे बढ़ोगे, लेकिन जब आपको जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप, उस फील्ड में जानबूझकर अवरोध पैदा किया जाएगा तब आप टूटने लगोगे। हमारी फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना थिएटर डिस्ट्रीब्यूटर से और ना ही OTT प्लेटफॉर्म से। हमने हर प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा खटखटाया है। मैं रोज़ शायद 100-100 मेल करती थी, लोगों से मिलती थी, लेकिन हर तरह से मुझे नो मिला है। हम वैसी जगहों पे पहुंचे जहां हमारे पेरेंट्स नहीं थे, हमने अपनी मेहनत से उस मुकाम को हासिल किया है। हमारा संकल्प है कि हम इस फिल्म को ऑडियंस तक लेके जाएंगे। बस अनवांटेड कल रिलीज हो रही है 6 मई को, लोग उसे जाकर देखें और जैसी भी लगे फिल्म वो देखें और वो अपना जजमेंट पास करें कमेंट्स में। झारखंड में इन दिनों सियासी तूफान मचा है तो बॉलीवुड में भी हलचल कम नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रांची के रहने वाले दिलीप देव जी, जो अब तो मुंबई के, या यूं कहें मुंबईकर होकर रह गए हैं, लेकिन एक कोकस है जो दिलीप देव जी को कहीं ना कहीं हर्ट करता है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने को लेकर आमादा है। इन्होंने एक फिल्म बनाई है अनवांटेड, वांटेड तो आपने सुना होगा, लेकिन अनवांटेड करके एक इन्होंने फिल्म बनाई है। ये किसी कारण से एक जो लॉबी है बॉलीवुड को वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरा है, लिहाजा दिलीप देव जी को ये फिल्म थ्रेटिकल तौर पर यूज़ करने को लेकर कहें या उसे दिखाने को लेकर के कहें, या यूं कहें कि हमारे भाषा में जो कहते हैं कि सिनेमा में दिखाने को लेकर के, सिनेमा हॉल में या थिएटर में दिखाने को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई है। लिहाजा दिलीप देव जी ने अब इसको ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर अपलोड करने का निर्णय लिया है। क्या वजूहत है, क्या कारण है, क्या इसके पीछे रीज़न है जो इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए दिलीप देव जी मजबूर हुए हैं? चूँकि ये झारखंड से वाबस्तगी इनकी है, तो लिहाजा हमारी भी दिली ख्वाहिश ये है कि हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको मुंबई में रहते हुए क्या ऐसी परेशानी पेश आई कि ये अब यूट्यूब में अपनी फिल्म को करोड़ों खर्च करने के बाद अपलोड करने के लिए विवश हुए हैं, मजबूर हुए हैं। दिलीप देव जी, हमारी जानकारी फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर फिल्म को लेकर मुख्तसर पहले आप कुछ बताना चाहें तो वो मुझे बता दें। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बेसिकली 22 सालों से फिल्म एडिटर ही रहा हूँ, लेकिन 2016 में मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपना क्राफ्ट को और मैं डायरेक्शन में आया। और ये फिल्म जो हमने अनवांटेड बनाई है उसकी प्रोड्यूसर है हमारे साथ मधुमिता राय, तो इन्होंने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया और ये गवर्नमेंट जॉब में थी, उसे छोड़कर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया सारा कुछ। तो इसमें जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, सारी इन्वेस्टमेंट जो है इनकी लगी हुई है, हमारी लगी हुई है। और ये जो फिल्म है ये हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो मुर्दा घोषित कर दिए गए जबकि वो जिंदा है, तो इस सब्जेक्ट पर हम लोगों ने 2016 में ही फिल्म बनानी शुरू कर दी। 2017 में इसको शूटिंग कंप्लीट की, 2 शेड्यूल में शूटिंग कंप्लीट की। पूर्वांचल में पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म जिसकी शूटिंग हुई है, और 2018 में इस फिल्म को कंप्लीट किया। 2019 फरवरी में हमें सर्टिफिकेट मिल गया, सेंसर सर्टिफिकेट, और उसके बाद हमने इसको रिलीज़ कराने के लिए थिएटर डिस्ट्रीब्यूटर्स OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत जद्दोजहद की हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन इसी सब्जेक्ट पे कुछ और लोगों ने भी फिल्म बनाई है, बड़े प्रोड्यूसर्स लोगों ने फिल्म बनाई है, हमारी फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना थिएटर डिस्ट्रीब्यूटर से और ना ही OTT प्लेटफॉर्म से। हमने हर प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा खटखटाया है, और ये आप समझे कि आज से कल 6 मई को रिलीज़ है फिल्म, आप समझिए कि 1 मई तक हम लोगों ने प्रयास किया आखिरी आज तक, और हमने ये सोचा कि शायद उनका मन बदल जाए, शायद उनका मन परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हमारी फिल्म से किसी का नुकसान नहीं है। समाज में घटित घटनाओं पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, और समाज में घटित जो भी घटनाएं हैं उसको डायरेक्टर राइटर्स कई तरह से अपने तरीके से अपने विवेक से उससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका अधिकार सबों के पास है, मुझे लगता है वो अधिकार मेरे पास भी है। तो हमने उस अधिकार का इस्तेमाल करके इसको अपने अपने तरीके से इस फिल्म को बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो बड़े लेवल पे थिएटर में जाना चाह रहे थे, जो OTT प्लेटफॉर्म में जाना चाह रहे थे, वहाँ से सहयोग नहीं मिला। तो मधुमिता राय ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया कि जब जो बॉलीवुड माफिया है, अगर इस फिल्म को आम लोगों तक दिखाने से रोकना चाहती है तो उसके पास हमारे लिए तोड़ क्या है।
देखिए क्या होता है, बाधाएं लाख आए, कहीं ना कहीं एक खिड़की खुली होती है, एक झरोखा खुला होता है जहां से हवा आती है, वो यूट्यूब है। हम जनता के पास जा रहे हैं डायरेक्ट यूट्यूब पे। बहुत हार्ड शब्द का इस्तेमाल किया है, बॉलीवुड माफिया, जिसको एक कोकस के तौर पर भी देखा जाता है, ये कौन लोग हैं आपकी समझ में होंगे, अगर उनका नाम बताना मुनासिब समझते नाम बताइए, और ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको आज भी आउटसाइडर के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं झारखंड में दीकू लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ भी होता है? देखिए ये हर फील्ड में है, जो पावरफुल लोग हैं उनके हाथ में सत्ता होती है, और अगर वो किसी वजह से नाखुश हैं तो फिर वो आपका काम होने नहीं देंगे, आपको रोकेंगे। हमारे यहाँ पर सिर्फ ये बात है कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, ठीक है, ठीक है, हमें सहयोग ना मिले लेकिन हमें रोका ना जाए, हम खुद ही चले जाएंगे भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम झारखंड की धरती से हैं, बिहार की धरती से हैं, यूपी की धरती से हैं, हम भारत की वैसी धरती से हैं जहाँ पर हम संघर्ष करना जानते हैं, हम वैसी जगहों पे पहुँचे जहाँ हमारे पेरेंट्स नहीं थे, हमने अपनी मेहनत से उस मुकाम को हासिल किया है। हाँ अलग बात है उनका सहयोग रहता है, बिना उनके सहयोग के टैलेंट को अगर वो चूज़ नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग वहाँ पर नहीं आएंगे, उनका सहयोग रहा है, मेरे करियर में बहुत अच्छा सहयोग रहा है उनका, लेकिन ये जो मुकाम, ये जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर पता नहीं कहाँ से किस तरह की चीज़ें हुई कि इनसिक्योरिटी क्यों हुई उनको, उनको जो आप बताते हैं क्या नाम लेकर बोल सकते हैं उन लोग? नहीं मैं यही बोलूंगा कि देखिए क्या होता है, कोई सामने से आकर मुझे ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता आपको, लेकिन हमें जो घटनाएं, जो घटनाक्रम है उससे हमें यही एहसास हुआ कि हमें इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की वजह से हमारी फिल्म को उन प्लेटफॉर्म्स में आने नहीं दिया गया। सेम टाइम कोई ऐसी सब्जेक्ट की फिल्म आई हो जो आपके सब्जेक्ट से टकरा गई हो, मैच कर गई हो, ये कारण रहा? जी हाँ ये रहा, ये आपको तफ्तीश करनी पड़ेगी, ओपन प्लेटफॉर्म में है, मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे सिर्फ अपनी अनवांटेड की चर्चा करनी चाहिए। अनवांटेड कल रिलीज हो रही है 6 मई को, लोग उसे जाकर देखें और जैसी भी लगे फिल्म वो देखें और वो अपना जजमेंट पास करें कमेंट्स में। क्या मुंबई वालों का दिल इतना छोटा हो गया कि 22 सालों तक जिस दिलीप देव को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, आज वो सिर्फ मॉनेटरी कारण से या किन्हीं और कारणों से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आज भी आउटसाइडर के तौर पर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है? देखिए मैं इसमें एक ही शब्द से मुझे इतराज है इस क्वेश्चन में, मुंबई वालों नहीं कहूँगा, बहुत प्यारे होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत एक्सेप्ट करते हैं, मैं यहाँ पर बॉलीवुड माफिया की बात कर रहा हूँ, और ये माफिया का चेहरा नहीं होता, ये माफिया का कोई चेहरा नहीं होता इस तरीके से, ये संगठित तौर पे काम करता है, इसे हम आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पे इंगित करके नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि यही एक घटना है और कुछ नहीं है, बहुत प्यार देती है मुंबई, मेहनत करने वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन साथ में क्या है कि मेहनत के साथ साथ संघर्ष इतना कराएगी कि आप पूछो कि नहीं नहीं टूटने की बात नहीं है, मैं ये कहूँ कि आप आगे बढ़ोगे, लेकिन जब आपको जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप, उस फील्ड में जानबूझकर अवरोध पैदा किया जाएगा तब आप टूटने लगोगे। बड़ा सवाल ये है कि जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सभी लोग चाहते हैं बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म रिलीज हो, अपना नाम शोहरत नमूद हो उसमें, मगर अब यह स्थिति आपके पास होगी कि ऑप्शंस चॉइस आपको छोटे पर्दे पर या यूं कहें कि ऑनलाइन जाना है, तो मन तो कचोटता होगा इससे? बहुत ज़्यादा दुख बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि एक ऑप्शन अभी भी हमारे पास है यूट्यूब का, जी तो अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखी ना होकर मैं उसके लिए खुश हूँ कि मैं डायरेक्ट अभी, देखिए अल्टीमेट एम क्या है, जनता को फिल्म दिखाना, जनता तक जाने के जरिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जरिए में जाने का मॉनेटरी गेन अलग अलग होता है, हमारे लिए मॉनेटरी गेन बंद कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन जनता तक एक जाने का एक रास्ता है जो मुझे लगता है कि मेरे प्रोड्यूसर ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है और आगे आने वाले समय में ये बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। हमारे यहाँ एक डायरेक्टर हैं, फिल्म से जुड़े हुए हैं, श्रीराम डाल्टन का नाम आपने सुना होगा, उनकी एक फिल्म है स्प्रिंग थंडर, वो भी IPRD जो हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग है वो एक दो दिन जाकर वहाँ पर धरने पर बैठे, वजह इसके पीछे ये बताई गई कि उनको सब्सिडी का पैसा नहीं मिल रहा, तो झारखंड में भी इस तरह के मसले हैं, इस तरह के हालात हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी यूट्यूब पर ही उसको रिलीज़ कर दिया काफ़ी पहले ही, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ बात मुंबई की नहीं है, झारखंड समेत अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में, अन्य इलाकों में इस तरह के हालात हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं उनको फेस करना पड़ रहा है? नहीं देखिए इसमें श्रीराम डाल्टन जी का झारखंड गवर्नमेंट के साथ क्या है ये मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी मैं चर्चा करूँगा, बोलेंगे ऐसी घटनाएँ होती हैं कि आप अगर किसी सब्जेक्ट पर बना रहे हैं, कई सब्जेक्ट्स लोगों को पसंद नहीं आते, कई सब्जेक्ट्स में बहुत सारे रीजन्स होते हैं,
तो ये जो रीजन्स हैं, मुझे लगता है कि बेहतर वही निर्देशक और वही प्रोड्यूसर बता पाएगा, क्योंकि दूसरी के एवज में हम नहीं बता पाएंगे। आप खुद समझिए कि हमें अपनी एवज में बताने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, दूसरे के लिए हम कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके लिए आपको बहुत ताकतवर होना पड़ता है। आपको भी पता है, किसी भी फील्ड में आप हों, आप तभी दबते हैं जब आप कमज़ोर हों, आइदर मॉनिटरी या फिर आपका संकल्प इतना कमज़ोर हो। हमारा संकल्प है कि हम इस फिल्म को ऑडियंस तक लेके जाएंगे, बस। अभी आपने क्या सोचा? एक तो अपने 6 मई को आप इसको रिलीज करने जा रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है? आगे क्या इस तरह के मतलब संघर्ष स्ट्रगल जारी रहेगा, फाइट करते रहेंगे, या फिर कहते हैं कि जो अपना दिनचर्या है उसमें आप लग जाएंगे? मेरी दिनचर्या सिनेमा मेकिंग ही है, तो मैं उसी में लगूंगा। और हमने बहुत अच्छी योजना बनाई है इस मामले में, और मुझे लगता है कि मैं आपके जरिए जो झारखंड की जनता है, जो प्रादेशिक जनता है, जो लोकल भाषा बोलती है, वहाँ तक मैं अपनी बात को पहुँचा सकता हूँ। वो ये है कि इस अनवांटेड को हम कई क्षेत्रीय भाषाओं में बनाने वाले हैं, जिसमें झारखंड की तरफ से नागपुरी सादरी, हो मुंडारी, खोरठा, संथाली है, बांग्ला, उड़िया है, भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी है। इसके साथ और भी कई लैंग्वेज ऐड होंगे। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि मूवमेंट शुरू होने के बाद हमारे पास कॉल आ रहे हैं अलग अलग भाषाओं में बनाने के लिए, तो हम वो कोशिश करेंगे कि हम उस पर जाएं। एक ही साथ नहीं जा सकते, 1x1 चलेंगे हम लोग। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि हर यूनिट, हर भाषा की यूनिट बिल्कुल अलग होगी, उसके राइटर से लेके कैमरामैन से लेके स्पॉट बॉय तक अलग होगी। तो कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोकल आर्टिस्ट हैं जिनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके लिए एक रेफरेंस अनवांटेड है, जिसे वो देख के कौन सा कैरेक्टर करना है वो बता सकते हैं आराम से। वो यूट्यूब में कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे ये कैरेक्टर करना है, मेरी इच्छा ये है, हम उनको कांटेक्ट करेंगे। अभी क्या दिलीप देव जी झारखंड को लेकर कुछ और कार्य योजना रखते हैं अनवांटेड के अलावा? मैंने आपको वही बताया कि अनवांटेड को हम नागपुरी, सादरी और 4 भाषाओं में बना रहे हैं इस चीज़ों को लेकर। इसके साथ हमारा जो फिल्म मेकिंग वर्कशॉप है वो साथ में चलता रहेगा जी। झारखंड को लेकर क्या लगता है, यहाँ की जो फिल्म पॉलिसी का थोड़ी बहुत अपने अध्ययन किया हो या जानकारी हो आपके दोस्त यार से, वो कैसी है? या झारखंड में क्या स्कोप, क्या देख पाते हैं झारखंड में आने वाले दिनों में, आने वाले मुस्तकबिल में क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड जो फिल्म पॉलिसी, उसके बारे में मैंने सोच रहा था, पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर वैसी बात है तो बहुत अच्छी है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि झारखंड में जो फिल्म पॉलिसी, जो सब्सिडी है, वो क्षेत्रीय भाषाओं को ही मिलनी चाहिए, बाहर की भाषाओं को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बाहर की भाषाओं का विकास करके आपके क्षेत्र का क्या विकास होगा? करेक्ट। बॉलीवुड के मेकर्स को आप जो करेंगे तो उससे आपका क्षेत्रीय भाषाओं का, झारखंड का क्या विकास होगा? उसके लिए आपके पास करीब करीब 22-25 बोलियां हैं, इनके ऊपर इनके मेकर्स को आप सब्सिडी दीजिए। हो सके तो हम जैसे लोग रेडी हैं उनको ट्रेन करने के लिए, पूरी टीम को, कि उनको कैसे किस तरीके से वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनानी है अपनी लैंग्वेज की। आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं सिनेमा बनाकर, आज लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा, तो हमें अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर पर गर्व होना चाहिए, हमें उस भाषा में फिल्म बनानी चाहिए और उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। अभी आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कल के एक्टर, डायरेक्टर, यानी कौन से क्या विषय को संभालेंगे, इनके लिए कोई संदेश? मैं यही बोलूँगा कि आपने अभी सुना होगा मेरी बातें कि हम जो इतनी भाषाओं में बनाने जा रहे हैं, आप अपने उस फील्ड को चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उसमें जी जान से लगिए। क्यों? क्योंकि जब आप जाएंगे तो उसी फील्ड से और भी लोग आएंगे इंटरेस्टेड, तो उसमें जो टैलेंटेड होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इन बहुत सारी समस्याओं से, संघर्षों के साथ हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें आप जैसा मौका नहीं मिला था। करेक्ट। तो आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपने टैलेंट को निखारें, मेहनत करें, हर रोज प्रैक्टिस की चीज़ है ये, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल खुले तौर पर होगा। जो टैलेंटेड होगा, जो उस पर सेलेक्ट होगा, जो उस चीज़ के लिए फिट होगा, वो उसके काम करेगा। मुंबई या बॉलीवुड के 20-22 साल का निचोड़ अगर कुछ बताना चाहें, बताएं। संघर्ष से भाग्य मत, आपको दूसरों से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास रखना है। हम ये माने कि आने वाले दिनों में दिलीप देव जी मुंबई में या बॉलीवुड में नजर आएंगे, या इससे कहीं ना कहीं हर्ट होने के बाद थोड़ा हताश और निराश होंगे? मैं हताश निराश नहीं हूँ, वो क्षणिक होता है। वो क्षणिक इसलिए होता है कि जब आप लोगों पर विश्वास करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और उनका रिस्पेक्ट अगर आपके लिए बाधाएं क्रिएट करें तो वो थोड़ा सा हर्ट करता है। लेकिन साथ ही मैं चुप रहता इस मामले में, 6 साल तक हम चुप रहे। मैं आपको बताऊं, 6 सालों तक हम चुप रहे, लेकिन एक सीमा आई जहां पर लगा कि हमें बोलना चाहिए, अगर हम बोलेंगे नहीं तो दुनिया नहीं जानेगी, और वो भी नहीं जानेंगे कि किस हद तक उन्होंने नुकसान किया है हमारा। तो वो लोग जो हैं उन्हें देखिए क्या होता है,
उन्हें समझने का एक मौका मिलना चाहिए। हम इस तरह से अपना विरोध दर्ज करके उन पे हम आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि आप ये सोचिए कि आपने गलतियां कहाँ कहाँ की हैं, और ऐसी गलतियां आगे किसी नए मेकर्स के साथ ना हो, जिसे हम आउटसाइडर बोलते हैं। वाकई में आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर कौन है? आउटसाइडर वो है जो एक आइडिया लेके जाता है, कुछ काम करना चाहता है और उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम वो आउटसाइडर हैं, हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया उस मामले में। मधुविता जी, क्या लगता है आपको, ये जो कुछ फेस करना पड़ा है ये तो अनएक्सपेक्टेड है, कितने आप लोग मेंटली फिजिकली इसके लिए तैयार थे और अब क्या आपको याद है? मैं सुन रही थी, आप लोग दिलीप जी से बात कर रहे थे, दिलीप जी सारे चीज़ आप लोगों को बता दिया, लेकिन मैं कुछ चीज़ और डिटेल में बताना चाहूँगी। जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने अपना जॉब छोड़ा, इस सब्जेक्ट को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट की। 2016 में से मेरा फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2018 में ये मूवी मोर और लेस रेडी हो गई, मतलब लोगों को दिखाने लायक हो गए हम लोग। तो उसके पहले से ही मैं ऐसा कुछ कॉर्पोरेट्स नहीं थे, प्रोडक्शन हाउसेस नहीं थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं थे जिसके साथ मैंने कांटेक्ट नहीं की। मैं रोज़ शायद 100-100 मेल करती थी, लोगों से मिलती थी, लेकिन हर तरह से मुझे नो मिला है। बहुत लोगों से मिला, बहुत मेल किया, मतलब आप अगर बोले कोशिश की, मैं कुछ कमी नहीं छोड़ी हर जगह से। तो कोशिश करते 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 जब एक जगह पे पहुंच गई तो हमें लगा कि ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कुछ तो ऐसा कारण है जो ये जो रुकावटें थे, ये मुझे लगा कि कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा शक्ति है जो रोक रहे हैं, ठीक है। तो जब ये फील हुआ तब हमें सोचा तो हमें कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा, ताकि ये जो टेक्नीशियंस है, आर्टिस्ट है, जिन्होंने इसमें काम किया, एटलीस्ट मुझे मॉनेटरी फ़ायदा ना हो लेकिन उन्हें अपना काम दिखाने की एक जगह मिले, ये सबसे बड़ी बात है। आपको लगता है कि आपके इस बोल्ड स्टेप से उन लोगों को कुछ मैसेज जाएगा जो लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसे रोकने की कोशिश करते हैं? देखिए, जिन्होंने रोकने की कोशिश किया है उनको तो जानकारी मिलेगी, लेकिन सारे सोसाइटी में सारे लोगों को तो ये मैसेज जरूर मिलेगी कि मैंने क्या किया, मैं क्यों कर रही हूँ। अगर मैं सबसे, ये मेरा अपील है, सारे लोग ये अनवांटेड मूवी को देखे, मेरे साथ आ जाए, क्योंकि फ्यूचर में और किसी के साथ भी हो तो ये प्लेटफॉर्म खुला रहे, ये एक प्लेटफॉर्म बने। और आप जो बोल रहे थे दिलीप जी को, आपको क्या दुख हुआ? तो मैं बोलूँगी कि हमें दुख नहीं हुआ, क्योंकि आज हमें अगर थिएटर में रिलीज़ करते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2000 स्क्रीन मिलता ऑल इंडिया में, लेकिन ये यूट्यूब में हमें कितना स्क्रीन मिल रहा है? 8 बिलियन होगा या कुछ ऐसा वर्ल्ड पॉपुलेशन, सबके पास, जिसके पास स्मार्टफोन है तो उतना स्क्रीन मिल रहा है, ओके? तो ये कितना बड़ा मैसेज है, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। बॉलीवुड में एक कोकस है, एक गिरोह है, एक माफिया है, जैसा इन्होंने भी बताया, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करता है जो अपने दम के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर और अपने परिश्रम वक्त के साथ हिम्मत नहीं हारने के आधार पर काम लेते हैं और कहीं ना कहीं ये जिद पालते हैं कि हमें कामयाब होना है। उम्मीद की जानी चाहिए दिलीप जी ने जो भी कमिटमेंट किया है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, बॉलीवुड के प्रति, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। और 6 मई को इन्होंने अपनी फिल्म को रिलीज़ करने का अज़्म और इरादा किया है। हमारी भी दुआएँ उनके साथ हैं कि लोग देखें और समझें, और एक मेहनतकार, एक जो मशक्क़त उठाकर अपनी फिल्म को बनाकर लोगों के सामने, इतने पैसे खर्च करके लोगों के सामने पेश किया है बिना मॉनेटरी लाभ के, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होगी कि हम भी जन जन तक इनकी बातों को पहुंचाएं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए शहनवाज़।